Assalamu alaikum, this is Anila Tabasman. You are watching your own channel, that is Easy Tool. Please subscribe my channel and press the bell icon button for getting the information about my new videos. Okay, aaj hum baat karenge ke Chomsky normal form for context free grammar. ठीक है, इसके basically अगर हम step करें तो हमने करना क्या है, ये चीज़ें remove करनी है. Nullable वेरिएबल हमने रिमूव करने हैं, यूनिट प्रोडक्शन मूव करनी है और यूजलेस वेरिएबल्स को. अच्छा, अब मैं आपको सब बताती हूँ कि ये करने कैसे हैं. ठीक है, नलेबल मतलब जो वैल्यूज़ नल हैं उनको रिमूव करना है, यूनिट प्रोडक्शन को रिमूव करना है जो सिर्फ अकेले को लाए कर रहा है. ठीक है, तो और अनलेस वेरिएबल जो हमें नहीं चाहिए उनको भी रिमूव कर देना है. अगर हम यहाँ पर आएँ, यहाँ पर देखें, ईच प्रोडक्शन हैज़ अ फॉर्म, वो इस किस्म की होगी या इस किस्म की होगी, या दोनों वेरिएबल्स ही होंगे. ठीक है, या टर्मिनल होगा एक साइड पे. अगर दोनों वेरिएबल हैं तो इसको हमें एक को वेरिएबल रखना है, दूसरे को रिमूव करना है. ठीक है, इसको नॉन वेरिएबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है. यहाँ पर देखें आप, ठीक है, ये जो है ये इसमें एक ही वेरिएबल है. ठीक है, और एक जो है ये यहाँ पर, और यहाँ पर देखें ये दो वेरिएबल है, इसलिए ये चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म नहीं है और ये नॉर्मल फॉर्म है. अब मैं आपको बताती हूँ कि कन्वर्ट कैसे करते हैं. ठीक है, बेसिक प्रॉब्लम होता है कि इसको कन्वर्ट कैसे किया जाए. यहाँ पर देखें ये कैपिटल में जो शो हो रहे हैं ये दैट इज़ अ वेरिएबल्स एंड द स्मॉल अल्फाबेट आर प्रेजेंटिंग एज अ टर्मिनल. ठीक है, दैट इज़ that all whole representing not a Chomsky normal form. अब हमें इसे convert करना है. सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी सहूलत की खातिर इसको आगे divide करते जाएंगे. यहाँ पर देखें, हमने सबसे पहले जो है जो terminal variables हैं terminal उनको convert करना है. वो हमने कैसे किया, यहाँ पर हमने कुछ temporary variable लिया, that is TA, TB, TC. यहाँ पर टी एट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, टी बी बी को, टी सी सी को. ठीक है, अब यहाँ पर हम आगे इसकी वर्किंग स्टार्ट करते हैं. ठीक है, यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, जहाँ जहाँ पे स्मॉल में ए बी सी आ रहा था उनको टी ए टी बी टी सी से जो है रिप्लेस कर दिया, और एट द एंड यहाँ पर हमने शो करा दिया टी ए रिप्रेजेंटिंग मैपिंग टू ए, टी बी मैपिंग टू बी, टी सी मैपिंग टू सी. अब अगर हम नेक्स्ट मूव करते हैं तो ये जो हम लास्ट पे ये कन्वर्ट कर चुके हैं इसको आगे हम कन्वर्ट करेंगे. अब हमारे पास क्या करने को रह गया, हमें ये जो तीन मतलब ये दो सेम टी ए आ रहा है इसको हमें रिमूव करना है, या हमारे पास और क्या रिमूविंग के लिए रह गया है, ये वेरिएबल्स. तो सबसे पहले हम वेरिएबल्स को कन्वर्ट करते हैं. हमने क्या किया है, हमें सिर्फ एक वेरिएबल चाहिए, तो हमने इन दोनों को उठा के वी वन का नाम दे दिया है, बी टी ए को उठा के वी वन का नाम दे दिया. जब भी हम किसी चीज़ को दूसरी में कन्वर्ट करेंगे तो हम बताएंगे कि इसको कन्वर्ट किस में किया गया है. एट हेयर यू कैन सी वी वन मैपिंग टू बी टी ए. ठीक हो गया, अब बाकी सारा का सारा प्रोडक्शन रूल वैसे का वैसे गया, कि मैं आपको छोटी छोटी जो है वो चेंजिंग बता रही हूँ. उसके बाद हम इस वाले पोर्शन को चेंज करेंगे. यहाँ पर देखें आप, टी ए टी ए टी बी जो था इसको हमने कन्वर्ट कर दिया टी ए वी टू. ये हमारे खुद के क्रिएट करदा वेरिएबल होते हैं, ये हम कुछ भी ले सकते हैं. इससे क्या होगा, एम्बिग्युटी रिमूव हो जाएगी. चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म जो है ये एम्बिग्युटी रिमूव करने के लिए यूज़ की जाती है. ठीक है, वी टू हमने लिया, वी टू को डिस्क्राइब कर दिया दैट इज़ वॉट. ठीक है, अब जैसे ही हम आगे मूव किए हैं तो हमारे पास यहाँ पर एक एक ही वेरिएबल है, दैट इज़ वेरिएबल, दैट इज़ वेरिएबल. ठीक हो गया, ये दो दो वेरिएबल ही हैं, चाहे वो टर्मिनल नॉन टर्मिनल है, दे आर नॉट मोर देन टू वेरिएबल्स. इसको हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, दैट इज़ चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म. इन अदर वर्ड, दे आर unambiguous regular grammar. Thank you so much for watching. Please subscribe my channel. And if you have any confusion, then you can please comment me. Allah Hafiz.